नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिस्ट्री एंड नॉलेज में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि राम का वनवास 14 साल तक ही क्यों रखा गया, इससे कम या ज्यादा क्यों नहीं। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। राजा दशरथ देवता और दानवों के बीच हो रहे युद्ध में देवताओं की सहायता के लिए गए थे। उस वक्त केकई भी उनके साथ गई थी। युद्ध भूमि में दशरथ के रथ का धुरा टूट गया। केकई ने धुरे में अपना हाथ लगाकर रथ को टूटने से बचाया। युद्ध समाप्त हो जाने के बाद जब राजा दशरथ को इस बारे में पता चला तो उन्होंने खुश होकर केकई से दो वर मांगने को कहा। मंथरा नामक दासी के बहकावे में आकर केकई ने राम के लिए 14 साल का वनवास और भरत के लिए राज्य की मांग की। अब सवाल यह आता है कि केकई ने राम के लिए 14 साल का ही क्यों वनवास मांगा, 15 या 13 साल का क्यों नहीं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अयोध्या खंड में इस किस्से का वर्णन किया गया है। दरअसल केकई ने ऐसा प्रशासनिक कारणों के चलते किया था। उस दौर में ऐसा नियम था कि यदि कोई राजा 14 वर्ष के लिए अपना सिंहासन छोड़ देता है तो वह राजा बनने का अधिकार खो देता है। इस वजह से केकई ने राम के लिए ठीक 14 साल का ही वनवास मांगा था। हालांकि भरत ने केकई के इस सपने पर पानी फेर दिया। भरत ने सिंहासन पर बैठने से इनकार कर दिया। वनवास समाप्त कर जब प्रभु श्री राम राज्य लौटे तो वही सिंहासन पर बैठे। दोस्तों इसी प्रकार की नई नई वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद।